अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। पूरे शहर को अगर मेरा सामान नहीं मिला। तो दोस्तों, सभी हेटर्स की बोलती बंद करते हुए, बॉलीवुड के रियल एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्म गदर 2 ने रिलीज होते के साथ ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म ने फैंस का इतना प्यार बटोरा है कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 2 दिनों में ही अपने बजट से डबल की ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। और साथ ही जिस तरह से लोग इस फिल्म को देखने आ रहे हैं, अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का नतीजा ये निकला है कि गदर 2 ने अपने संडे तक की जबरदस्त तरीके की एडवांस बुकिंग कर ली है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही दूसरी ओर अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, जिसके रिव्यू अच्छे निकल कर आए हैं और साथ ही पहले दिन एक अच्छी ओपनिंग लगी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 के बारे में और ओ माई गॉड 2 के बारे में कि इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की क्या अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माई टॉक्स के और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले अमित राय के डायरेक्शन में बनी ओ माई गॉड 2 5 स्टार में से 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है फिल्म को। और इस फिल्म ने गदर 2 के साथ रिलीज होने के बाद भी फैंस के पीछे एक जबरदस्त पकड़ बना के रखी हुई है। ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को, जहां फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। फिल्म लोगों को पसंद आ रही है और दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 13 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और उम्मीदें हैं कि संडे के दिन ये कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो वहीं अब बात करें सुपरस्टार सनी देओल की गदर 2 की। इस फिल्म को लेकर फैंस कई सालों से एक्साइटेड थे और फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ था। और इसके पीछे की वजह है कि लोग इस फिल्म में सनी देओल को फिर से एक्शन भरे अवतार में जबरदस्त डायलॉग के साथ देखना चाहते थे। और ऐसा ही हुआ है गदर 2 में, जिसकी वजह से इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 45 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। तो वहीं दूसरे दिन फैंस का इस फिल्म को और ज्यादा प्यार मिला है, जिसकी वजह से इस फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन 48 करोड़ रुपए का हुआ है। और टोटल करें तो 2 दिन में इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93 करोड़ रुपए का होता है। फिल्म का बजट 55 करोड़ का था, जहां इस फिल्म ने अपने 2 ही दिनों में अपने बजट से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों, संडे से लेकर 15 अगस्त तक उम्मीद है कि ये फिल्म तकरीबन 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको गदर 2 कैसी लगी और आपको क्या लगता है ये फिल्म कितने 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है और ओ माई गॉड 2 कितने 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।